पुरुष ये बात कहता है कि परिवर्तन की जननी है औरत। जब तक औरत अवेयरनेस नहीं होगी अपने अधिकारों के प्रति, जब तक औरत झंडा लेकर समाज की अगुवाई नहीं करेगी, जब तक औरत शहीद भगत सिंह, करतार सिंह सराबा और उधम सिंह जैसे लोग पैदा नहीं करेगी, जब तक औरत इस समाज की कमांड को अपने हाथ में नहीं लेगी, तब तक परिवर्तन संभव नहीं है। लेकिन मैं आज देख रही हूं कि इस समाज में, इस साइड में जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग बैठे हैं, वो खुद आए हैं लेकिन अपनी बीबी और बच्चों को लेकर नहीं आए। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर एक भी आज देश की पार्लियामेंट में खड़ी होकर सुषमा स्वराज बोलती है, वसुंधरा राजे सिंधिया बोलती है, गिरजा व्यास बोलती है, 100% झूठ बोलती है हिंदुआनिये, लेकिन हिम्मत साहस और जुर्त से बोलती है, हम बुद्धा की बच्चियां हैं, हम मोहम्मद साहब की बच्चियां हैं, हम कबीर रविदास और बाबा साहब की बच्चियां हैं, हमारे पास लॉजिक है, हमारे पास तर्क है, हमारे पास सत्य है, हमारे बुजुर्गों ने कोई धोखा नहीं किया, कोई शलकपट नहीं किया, लेकिन हम सत्य को भी हिम्मत और साहस के साथ बयान नहीं कर सकती, तो फिर हम कहती हैं कि हम अधिकारों से वंचित क्यों? फिर हम कहती हैं कि हमारे बच्चे एजुकेशन लेकर क्यों दर दर की ठोकरें खा रहे हैं? फिर हम कहते हैं कि हमारे महल नहीं बन रहे, हमारी झोंपड़पट्टियां क्यों हैं? आपके सामने है, हर घर में टेलीविजन है, सोनिया गांधी को देखते हो, सुबह से शाम तक इतना ही टेम्परेचर होता है, गली गली घूमती है, उसकी सास भी रानी, खुद भी रानी, पूरा खानदान राजे महाराजाओं का, वो क्यों घूम रही है? क्योंकि उसको मालूम है कि हमारे बुजुर्गों ने जो कमा कर दिया उसको सेफ कैसे रखना है। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने भी हमें कमा कर दिया था, हम उसका मूल भी खा गए और ब्याज भी खा गए और अभी भी अज्ञानता में जी रहे हैं कि बाबा साहब की रिजर्वेशन, बाबा साहब के अधिकार शायद हमें फिर कुछ और दे देंगे। इसलिए रिस्पेक्टेड साथियों, आज हमने ही रामाबाई बनना है, हमने ही सावित्रीबाई बनना है और हमने ही वो करिश्मा करके दिखाना है। ये लोग जो सोच रहे हैं कि ये साधारण लोग कर नहीं सकते, इसलिए आज इस फंक्शन के ऊपर मैं आपको आखिर में एक ही रिक्वेस्ट करती हूं कि एक समय था हमारे बुजुर्ग मरे हुए पशुओं का मांस खाते थे, एक समय था हमारे बुजुर्ग मरे हुए पशुओं का मांस खाते थे, लेकिन आज वो परिस्थिति बदल गई, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने बहुत जद्दोजहद की। आप देखो, इसी बॉम्बे में रामाबाई अम्बेडकर उपले बनाकर गुजारा करती थी, बाबा साहब की पत्नी। इसी बॉम्बे में बाबा साहब का बेटा मर गया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लंदन में थे, लेकिन रामाबाई ने बाबा साहब को नहीं बताया कि अपना बेटा रमेश मर गया। जब बाबा साहब इधर आए बॉम्बे में, तो बाबा साहब ने मेरी माता को पूछा कि मेरे को रमेश नजर नहीं आता, तो मालूम है रामाबाई ने क्या कहा था? बाबा साहब, क्या हुआ अगर रमेश चला गया? आप करोड़ों रमेशों को जिंदगी देने के लिए दिन रात एक किया हुआ है, अगर इन करोड़ों रमेशों को जिंदगी देने के लिए एक मैंने रमेश बलिदान कर दिया, तो क्या बड़ी बात है? ऐसी थी रामाबाई, आप में सब कुछ है, लेकिन अभी आपने जो आपको तकलीफ है वो स्टेजों पर चढ़कर बोलनी है, समाज का नेतृत्व करना है। दूसरे समाज की बहू बेटियों को देखो, हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। इतनी ही बात करती हुई रजा लेती हूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, जैसे ही हमारे डेडिकेशन के साथ पैगाम संगठन के कार्यकर्ता लगे हुए हैं, सिर्फ सुनने से बात बनने वाली नहीं है, वो पंपलेट होगा आपके पास, उसके ऊपर फोन नंबर लिखा होगा और आपने खुद फोन करना है पैगाम के ऑफिस में,
कि मैं इस एरिया में रहता हूँ और इस एरिया की जिम्मेवारी मैं खुद उठाता हूँ। आपको बोलना सिखाना ये हमारी ड्यूटी है, आपको क्लैरिटी देना ये हमारी ड्यूटी है, क्योंकि हमें घबराना नहीं है। हमारे पास सत्य है, जिस इंसान के पास सत्य होता है वो बड़ी से बड़ी लड़ाई, बड़ी से बड़ी मंजिल को भी पार कर लेता है। इतना ही कहती हुई रजा लेती हूँ। जय भीम, जय भारत।